नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार और अभी मैं हजारीबाग के खिरगांव शमशान घाट जो है मुक्तिधाम वहाँ पर हूँ। और आज फ्रेंडशिप डे भी है, दोस्ती का दिन और कब्रिस्तान में शमशान घाट में। आप सोचते हैं ऐसा क्या है, लेकिन हम आपको ऐसे दो दोस्त से आज मिलवाने जा रहे हैं जो जिनकी दोस्ती हजारीबाग में सभी तो जानते ही हैं, लेकिन वो आज यहाँ क्या कर रहे हैं वही बताएंगे। हमारे साथ खालिद भाई हैं, खालिद भाई से और तापस चक्रवर्ती, ये दो लोग हैं और हर कोई इनके बारे में जानता है। बाकी चीज़ें तो इनकी हैं ही, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है जिससे लोग इनको जानते हैं वो है कि ये जो लावारिस सब होते हैं उनका दाह संस्कार उनके धर्म के हिसाब से करते हैं। आज यहाँ क्या कर रहे हैं खालिद भाई, आज क्या कर रहे हैं? आज फ्रेंडशिप डे है और हम लोग बहुत पहले से, चूँकि हमारा दोस्ती जो है मुर्दों के साथ है और हम उनके लिए समर्पित हैं, वो हमारे लिए समर्पित हैं, तो मैं आज इस फ्रेंडशिप डे पर अपने उन मुर्दों को जिनका अंतिम संस्कार मैंने खिरगांव में किया हो, कब्रिस्तान में किया हो, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं ताकि हमारी ये दोस्ती बरकरार रहे। अगर कभी दोस्ती में थोड़ी बहुत खटपट भी हो गई हो तो मैं उनसे क्षमा मांगने आया हूँ और दोस्ती को एक नया गांठ बांधने भी आया। दोस्ती की ये नई गांठ यहाँ बन रही है, ऐसा लगा है तापसदा कि ये दोस्ती जो अभी बता रहे थे इसके बीच कभी खटपट हुई हो कि आज माफ़ी मांगने की नौबत आई हो, ऐसा कुछ? नहीं, माफ़ी मांगने के लिए खालिद बोला तो ठीक है, वो पीछे छिपी हुई हकीकत है कि माफ़ी मांग लेते हैं कि कहीं कोई गलती हो गई हो हम लोगों से, उन लोगों के प्रति लाने में ले जाने में। लेकिन बात यह है कि माफ़ी से ज़्यादा प्यार जताने आए हैं, जैसे अपने परिजन होते हैं ना, दादा चाचा नाना, कोई ना कोई तो हमारा रिलेशन ही रहा होगा ना, नहीं तो वो हमारे कंधे क्यों चढ़ा, अपनों सो कॉल्ड अपनों को छोड़ दिया और यही दोनों मिले, खालिद और तापस और हमारा ग्रुप में जो भी रहे वही लोग टांग के लाया, इसका मतलब हम लोग से पुराना कहीं ना कहीं रिश्ता नाता जरूर। अच्छा, ये दोस्ती आपकी शुरू में नहीं थी, शुरू में तो कॉलेज के दिनों का हाँ, अगर बात करें तो आपके स्टूडेंट या शायद सीनियर आप थे, क्या थे? नहीं, सीनियर नहीं, हम बहुत सीनियर, हम जब नौकरी कर रहे थे उस समय ये कॉलेज में पढ़ रहे थे। अच्छा, तो ये प्राध्यापक से एकाएक दोस्त बनने के बाद ये कैसे हुआ और क्या शुरुआत? बस इसीलिए तो गुलाब चढ़ाने आए हैं इनको, जिनके चलते ये एक स्टूडेंट से दोस्त बने, तो जिन लोगों ने हम दोनों को दोस्त बनाया उनको ही गुलाब चढ़ाने आए थे कि उन लोगों ने हम लोगों को दोस्त बनाया। तो देखिए, इस दोस्ती के पीछे कारण ये था कि जब खालिद भाई और तापस चक्रवर्ती ने यह सोचा कि जो लावारिस शव होते हैं वो सड़कों पर वैसे नहीं रह जाएँ, तो पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी इज्जत के साथ उन सबों का दाह संस्कार ये लोग करते हैं और ये दोस्ती दशकों पहले शुरू हुई और आज तक लगातार जारी है। आज इस फ्रेंडशिप डे पे आज का दिन इन्हीं को समर्पित। विस्मय अलंकार लगातार .in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।